Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Zahid in front of you and saying Assalamu Alaikum to you all. Well, we are discussing about today introduction to sex. आज हम सेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आपने देखा होगा कि हमने इंट्रोडक्शन टू सेक्स को अपने लाइफ में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेक्स को हम बहुत यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में से, कॉम्बिनेशंस के चैप्टर में से क्लास 6, 7, 8 मैट्रिक, अच्छा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन के आप ग्रेजुएशन लेवल तक सेक्स के रिलेटेड टॉपिक्स अपने साथ सोल्व आउट कर रहे होते हैं, आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, आप स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि सेक्स के डेफिनेशन के हवाले से और उसके कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के हवाले से. मैं सीरीज ऑफ वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने डिवाइड किया है सेक्स के चैप्टर को. फर्स्ट पार्ट में हम इसके डेफिनेशन और इसके नोटेशंस को देखेंगे, सेक्स के नोटेशंस को. सेकेंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ सेक्स के बारे में आपसे बात करेंगे. एंड थर्ड पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, इनवर्स और सिंबल्स ऑफ सेक्स के बारे में. पार्ट वन की वीडियोस में आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेक्स. आपने डे टू डे लाइफ में बाजू का हमने देखा होगा या ये वर्ड्स आपने सुने भी होंगे कि अ बंचेस ऑफ कीज, या आपने सुना होगा अ ग्रुप ऑफ बॉयज, या आपने सुना होगा अ पैक ऑफ कार्ड्स. ये ग्रुप्स, ये आपके पास पैक और ये आपके पास बंचेस, ये जो वर्ड हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? ये कलेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को. यानी बंचेस ऑफ कार्ड्स आप कह सकते हैं या आप पैक ऑफ कार्ड्स कह सकते हैं, यानी कि आपने उसकी कलेक्शन करनी. तो सेट्स है क्या बेसिकली? अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. आपके पास सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? इस पूरे डेफिनेशन में हमें की पॉइंट हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड, यानी कि जो चीज डिफाइंड हो वो आपका क्या कहलाएगा? सेट. और जो चीजें डिफाइंड ना हो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा. इट्स मींस ये है कि हमें बहुत सेट, हमें ये मालूम होना चाहिए पहले कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास सेट्स में वेल डिफाइंड होती है. एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ अ सेट्स ऑफ अ वोवेल्स, तो आप क्या करेंगे? वोवेल्स के सेट्स बना लेंगे, ए ई आई ओ यू. अगर मैं आपसे कहूँ सेट्स ऑफ अ इवेंट नंबर, तो आप बोलेंगे सर इवेंट नंबर के वोवेल्स वो लिख लेंगे आप सेट 2, 4, 6, 8, 10. मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट 5 इवेंट नंबर के आप सेट्स बना लें. इट मीन्स कि आपको क्या है, ये चीज़ें डिफाइंड है, मालूम है आपको, आपको वेल डिफाइंड था तब आपने इसके सेट्स बना दिए. और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको मालूम है वेल डिफाइंड है, तो हम उसके सेट्स कहेंगे. अच्छा आप और कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक टीचर यूनिवर्सल स्कूल, कौन से मैथमेटिक टीचर हैं आपके स्कूल में, उनका नाम वेल डिफाइंड है, आप देख सकते हैं. तो इट मीन्स के वो चीज़ें जो सेट्स में वेल डिफाइंड हो, जिनका आपको मालूम हो, जो स्पेसिफिक हो, उस पर हम क्या कह सकते हैं? सेट्स कह सकते हैं. अच्छा वो कौन से चीज़ होते हैं जो नॉट वेल डिफाइंड हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर कहूँ कि अ टेस्टी फूड आइटम्स, टेस्टी फूड आइटम्स नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट आइटम कुछ और है, फेवरेट डिश कुछ और हो सकते हैं, आपके फेवरेट डिश कुछ और हो सकते हैं. इट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड. अगर मैं आपको मजीद आगे लिखते हैं अ लार्ज नंबर के, बहुत सारे नंबर, मैंने आपको कोई लिमिटेशन नहीं बताई, तो वो भी आपको डिफाइंड नहीं है, तो आप उसको किस कैटेगरी में ले आएंगे? कि वो एक सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है. इट मीन्स इस पूरी डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि अ सेट इज अ कलेक्शन, किस चीज का मजमुआ है जो आपको वेल डिफाइंड हो, जो आपको मालूम हो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको मालूम हो वो आपको क्या कहलाते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं फॉर्म्स या सेट्स के म्यूटेशन के बारे में. अ
अच्छा बेसिकली स्ट्रेस के तीन लोकेशन होते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इनके माइनर माइनर से डिफरेंस होते हैं, उनको वो पिकअप नहीं कर पाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि स्ट्रेस के तीन लोकेशन होते हैं। नंबर वन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। नंबर सेकेंड आपके पास आ जाता है रोस्टर फॉर्म, बाज औकात इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और बाज औकात हम इसको लिस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के नाम से, कुछ में लिस्टिंग फॉर्म के नाम से। एंड नंबर थर्ड वन सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को समझेंगे। याद रहेगा डिस्क्रिप्टिव मेथड्स नोटेशन से मुराद है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि हम इसमें स्टेटमेंट बयान करते हैं, किसी भी सेट का स्टेटमेंट हम उसमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अ सेट ऑफ वोवेल्स आपको बयान करेंगे कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, इस डिस्क्रिप्टिव मेथड जहां से डिस्क्राइब कर दिया सेट्स ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें याद रहे कि हम यहां पे कर्ली ब्रैकेट प्लेस नहीं कर रहे। सेकंड हमारे पास जो है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। ध्यान से इस बात को समझेंगे कि हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं। हम ज्यादातर इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए। एग्जांपल इसीलिए ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या कहा, अ सेट ऑफ द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज, हमने पहले आपको मेथड बताया था डिस्क्रिप्टिव में कैसा लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको किस तरह राइट करना है, जैसे कि वोवेल्स ए ई आई ओ यू, हमने इसके एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। नंबर वन। नंबर सेकंड हमने इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखा। एंड नंबर थर्ड हमने क्या प्लेस कर लिया, कर्ली ब्रैकेट। नंबर थ्री हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। याद रहे इस सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को बयान करते हैं, ठीक है। सेट्स के किसको बयान करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स को, यानी इसकी खसूसियात को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, अ सेट ऑफ अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज। अब याद रहे इस डिस्क्रिप्टिव मेथड को समझने से पहले आप इस साइन को समझ लीजिए, ये साइन या ये, इट इज ऑल अबाउट सर्च डेट। किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये साइन, सर्च डेट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा x इज सर्च डेट, x इज अ अल्फाबेट ऑफ वोवेल्स, यानी कि s इज सर्च डेट, x इज अल्फाबेट ऑफ वोवेल्स। यानी कि थ्री मेथड्स को हमने एग्जांपल के समझे समझ लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। मैं ले लेता हूं कि अ सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9 कैन बी रिटन एस, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया कि एक एग्जांपल ले लिया कि अ सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9 कैन बी रिटन एस। फर्स्ट फॉर्म हम पहले क्या पढ़ रहे थे, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हमने आपसे क्या था, आप उसको स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसा कि हमने था कि सेट ऑफ रियल नंबर
less than 9. याद रहे इसमें हम ना कॉमास का यूज करते हैं और ना ही कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं. नंबर सेकंड, हमने आपसे कहा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके एलिमेंट को लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं और कॉमास के जरिए उसको सेपरेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने वापस इस एग्जांपल को ले लेते हैं, असर्ट्स ऑफ द रियल नंबर लेस देन 9 कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जांपल 1 2 3, हमारे पास रियल नंबर होते हैं 4 5 6 7 एंड 8. क्या किया हमने, 8 या 9 यानी लेस देन 9, ठीक है. हमने क्या किया, हमने इसके कॉमास के जरिए इसके एलिमेंट्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है. एंड द नंबर थर्ड, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स से बयान कर रहे होते हैं उसके सेट के बिल्डर को. यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने इस एग्जाम्पल को लिया, असर्ट्स ऑफ द रियल नंबर्स लेस देन 9 कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज सच दैट x is less than 9. यानी कि हमने उसके प्रॉपर्टीज को बयान कर दिया, उसके रूल्स को बयान किया, उसके करैक्टरिस्टिक्स को बयान कर दिया कि x is such that x is less than 9. यानी x जो नंबर होगा रियल नंबर में वो लेस देन 9 होगा. बाज़ औक़ात इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह पूछा जाता है आपके एक्सरसाइज में, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप देखिएगा इंट्रोडक्शन टू सेट्स में आपके एक्सरसाइज में बाज़ औक़ात इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आपको दिया जाता है टेबुलर फॉर्म में और कहा जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो कर लें, कन्वर्ट कर लें, या आपसे पूछा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और पूछा जाता है इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आप उसको लिख कर दिखाएँ या कन्वर्ट करके दिखाएं. तो आप देख लीजिएगा अपने एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा वेल डिफाइंड क्या होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, नॉट वेल डिफाइंड क्या होते हैं. फिर आपसे पूछा जाता है कि सेट ऑफ नोटेशन में डिस्क्रिप्टिव मेथड कैसे होते हैं, रोस्टर मेथड कैसे होते हैं, सेट बिल्डर मेथड्स कैसे होते हैं. आज की वीडियोस में पार्ट 1 में हमने इस बात को डिफाइन किया है कि हमारे पास सेट्स क्या होते हैं, फिर हमने सेट्स को डिफाइन किया, फिर हमने उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट किया, इसके बाद हमने आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया कौन से चीज़ें वेल डिफाइंड हैं, कौन से चीज़ें नॉट वेल डिफाइंड हैं, और उसके बाद हमने आपको सेट नोटेशंस के बारे में बताया जो कि तीन होते हैं, तीन फॉर्म्स होते हैं आपके पास, डिस्क्रिप्टिव, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एंड नंबर थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म. इसके मजीद दो एग्जाम्पल्स हमने इन बात को समझा वीडियोस में, इंट्रोडक्शन टू सेट्स में यहाँ तक इतने ही है. अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्टिल, कोई भी इंक्वायरी है इस लिहाज से, चैप्टर के लिहाज से, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और अगर किसी और चैप्टर के मैथ्स के किसी और चैप्टर के हवाले से कुछ पूछना है तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, उस पर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह. आज तक के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. जब तक के लिए अल्लाह.